G20 की सफल बैठक ये नए जम्मू कश्मीर के उदय का संकेत हिंदुस्तान को भी दे रही है, दुनिया को भी दे रही है। 3 दिन की मीटिंग ने भविष्य की कई सालों की नई कहानी लिख दी है। दुनिया के अनेक देशों के लोग आए और यहाँ के लोगों की मेहमानबाजी, मेहमान नवाजी, यहाँ की खूबसूरती और टूरिज्म के जो 5 मुख्य आधार तय किए गए हैं इस मीटिंग के, उन पर बेहद चर्चा हुई। अब वो लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं या पहुंच गए होंगे। संचालक बहुत शायरी कर रहे हैं तो मुझे भी 2 पंक्ति कहनी पड़ेगी। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। इनकी तरक्की का अफसाना भी बदल रहा है। 27 देशों के 57 प्रतिनिधियों की श्रीनगर में 3 दिवसीय बैठक ने पूरे अवाम में नया जोश, एक नया स्वाभिमान पैदा किया है और जम्मू कश्मीर के 1,30,00,000 नागरिकों के नए सपनों को अब पूरा होने की उम्मीद दिखने लगी है। मैं G20 पर विस्तार से चर्चा करूं तो सबसे पहले गांधरबल के लोग पहुंचे थे। मैं हृदय से अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से, आप सबके प्रति हृदय से जो लोग आएंगे वो निश्चित रूप से यहां से एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण देख करके जाएंगे कि पूरे देश में गांधरबल का नाम रोशन होगा। आज सुबह मित्रों G20 समिट में हिस्सा ले रहे 27 देश के प्रतिनिधि अपना कार्यक्रम समाप्त करके वापस चले गए। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का यह कार्यक्रम आज सब लोग कर रहे हैं, मैं नहीं, जम्मू कश्मीर की आवाम भी कर रही है और वो लोग जो 5 दिन पहले तक कर रहे थे कि ये बड़ा गड़बड़ है वो भी कर रहे हैं, हिसाब ही तो गजब हो गया, ऐसा सफल कार्यक्रम तो हमने नहीं देखा था। आने वाले दिनों में मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सहित अनेक सेक्टर्स में तरक्की की नई रफ्तार इसके कारण देखने को मिलेगी। गांधरबल में ही मुझे बताया गया है पिछले वित्तीय वर्ष में 9,00,000 से ज्यादा टूरिस्ट आए थे। 2021 के मुकाबले यह संख्या दुगनी है। सोनमर्ग में आपके फिल्मों की शूटिंग हो रही है और मुझे उम्मीद है कि बिजनेस व्यापार का यह सिलसिला अब और तेज रफ्तार पकड़ेगा और टनल बनने के बाद अब विंटर्स में भी लोग सोनमर्ग जा रहे हैं। यह खूबसूरत गांधरबल जिले में न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि दूसरे संसाधनों का भी विकास होगा और रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले साल 300 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हुई है जम्मू कश्मीर। वो दशक जब कश्मीर की वादी जानी जाती थी बॉलीवुड से रिश्ते के कारण, वो दशक फिर से दस्तक दे रहा है और तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। 1,88,00,000 से ज्यादा टूरिस्ट पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर आए थे। यह आंकड़ा इस बार इससे कहीं आगे बढ़ने वाला है। यह अमन चैन और आवाम में तरक्की को लेकर उत्साह और जोश का नतीजा है